हम बात करने वाले हैं सैमसंग गैलेक्सी A51 के बारे में। मुझे पता है ये थोड़ा सा पुराना फ़ोन हो चुका है, मतलब कि 1-3 मंथ्स ओल्ड फ़ोन है, बट स्टिल मुझे अभी इसके ऊपर हैंड्स ऑन करने का मौका मिला। मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ इसे हैंड्स ऑन करो। मैं आपको अपना रिव्यू बताऊँ इस स्मार्टफोन के बारे में, सैमसंग गैलेक्सी A51, जो कॉस्ट करता है अराउंड 25K, जो कि एक रिजनेबल प्राइस है फॉर दिस स्मार्टफोन। ये मैं उन लोगों के लिए नहीं बताऊंगा जिनको एक गेमिंग स्मार्टफोन चाहिए या सिर्फ एक, मतलब कि एकदम कुछ फोकस्ड स्मार्टफोन चाहिए। ये है एकदम व्हाट यू से, एकदम पूरा होल पैकेज है। एंड दिस इज आल्सो फॉर द सैमसंग यूजर्स, जो जिन्हें सैमसंग का ही फ़ोन चाहिए एट दिस प्राइस। सो दिस इज़ वन ऑफ दी बेस्ट फोन दैट यू कैन गेट अंडर 25K फॉर सैमसंग लवर। ठीक है, तो आपको ज़्यादा वक्त ना चाहिए कि हम इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। और हाँ भाई, मुझे पता है मैं बहुत टाइम से अपलोड नहीं कर रहा हूँ, उसके कुछ रीजंस हैं, मतलब कि ज़्यादा बड़े रीजंस तो नहीं है। मेरा मूड सा नहीं कर रहा था, प्लस फिर बीच में लॉकडाउन आ गया, मेरे जैन फेब में एग्ज़ाम से, तो अराउंड 6 मंथ से मैंने कुछ अपलोड नहीं किया है। तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। तो अब वो चीज़ नहीं होगी, अब हम कॉन्स्टेंट वीडियो अपलोड करते रहेंगे, हर हफ्ते हर दिन वीडियोज़ आते रहेंगी नए नए फ़ोन के बारे में। तो चलिए आपका ज़रा वक्त ना जाए कि ये, चलें इस वीडियो को शुरू करते हैं। स्टार्ट कर लेते हैं हम इसके डिस्प्ले से। तो यू गेट अ 6.5 इंच सुपर एमोलेड पैनल, जो कि बहुत ही अच्छा डिस्प्ले मेरे हिसाब से, क्योंकि सैमसंग के सुपर एमोलेड पैनल्स आर वन ऑफ द बेस्ट इन द होल मार्केट। आपको इसके बीच में पंच होल देखने को मिल जाता है, जस्ट लाइक द सैमसंग गैलेक्सी नोट 10 और नोट 10 प्लस। वैसे क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रीमियम लुक देता है स्मार्टफोन को, प्लस इसमें जो बेजल्स है वो भी ना के बराबर है। आप ऊपर नीचे बेजल्स देख, पंच होल है ना, उसमें आपको सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है 32 मेगापिक्सल का। जी हाँ, आपको 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा उसमें देखने को मिल जाता है, क्योंकि बहुत ही अच्छी अच्छी सेल्फीज ले सकते हैं, जैसे कि आपको अभी मैं स्क्रीन पर दिखा देता हूँ। ये कुछ सैम्पल शॉट्स जो मैंने लिए थे इस स्मार्टफोन, जैसे कि आप देख सकते हैं जो लाइटिंग कंडीशंस है उसके हिसाब से। भाई मेरे मुंह पर डायरेक्ट सन आ रहा था, तो तब भी इसने एक्सपोजर अच्छा मैनेज किया। द ब्लर इज़ क्वाइट गुड, जो स्किन टोन है वो भी एकदम नेचुरल है। अगर बात करूँ मैं इसका बैक पैनल की, तो आपको इसमें एक रेनबो इफेक्ट देखने को मिलता है जब आप इसे लाइट में लेके जाते हैं, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ। देख सकते हैं आपकी इसमें रेनबो इफेक्ट सॉर्ट ऑफ टाइप बनता है, ठीक है। और आपको जो है भाई इसके नीचे एक ना वो दिख रही होगी मेरे हिसाब से, वो जो चार्जर सॉर्ट ऑफ टाइप है ना भाई, वो कुछ कंडीशंस थे जिस हिसाब से मैं वो चार्जर टाइप पर नहीं निकाल पाया, बट आप, मुझे पता है आप मेरी जनता, आप उस चीज़ को मैनेज कर सकती है, तो जस्ट इग्नोर दैट। बाकी बात करें हम डिज़ाइन की, तो बहुत ही प्रीमियम लुक है भाई, ये ग्लास्टिक डिज़ाइन इन द सेंस ग्लास नहीं है बट ग्लास वाले फिनिश है प्लास्टिक में ही, जो कि एक अच्छा लुक दे रही है भाई। आपको बीच में सैमसंग की ब्रांडिंग देखने को मिल रही है, ओवरऑल एक बहुत ही सही से लुक दे रही है। आपको पीछे क्वाड कैमराज देखने को मिल जाते हैं, और मतलब कि एक क्लीन लुक है आप इसे बोल सकते हैं। बात करें भाई हम इसके बैक कैमरे की, तो आपको इसमें क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है। इसका मेन कैमरा 48 मेगापिक्सल का है, आपको इसमें 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा, 5 मेगापिक्सल का मैक्रो और एक 5 मेगापिक्सल डेप्थ सेंसर आपको देखने को मिल जाता है। जैसे कि आप बैक कैमरा के यहाँ पर सैंपल्स देख सकते हैं, आपको मैं हर एक इमेज के सैंपल्स दिखा देता हूँ। देख सकते हैं भाई ये फिर से वैसी कंडीशन है, स्किन टोन अच्छी मैनेज है। ओवरऑल आप फोटोज़ देखिए और मुझे ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में कैसा लगता है आपको, मैं आपको अभी सारी फोटोज़ दिखा देता हूँ। बात करें भाई हमें इस फोन के स्मार्टफोन के फिजिकल ओवरव्यू की, आपको देख सकते हैं आप टॉप में आपको एकदम पूरा क्लीन लुक इसमें देखने को मिल जाता है। उसके बाद हम लेफ्ट साइड में आते हैं, कुछ इसमें सिम ट्रे देखने को मिलती है, अब लेफ्ट में आपको वॉल्यूम अप एंड डाउन का बटन नहीं देखने को मिलता। हम डाउन साइड में आए तो आपको इसमें सिंगल स्पीकर, एक टाइप सी पोर्ट जो कि 15 वाट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट करता है, और एक हेडफोन जैक इसमें आपको देखने को मिल जाता है। हम अगर राइट साइड की बात करें, तो भाई आपको इसमें वॉल्यूम अप एंड डाउन की कीज देखने को मिल जाती है, स्विच ऑन और ऑफ का बटन देखने को मिल जाता है। बैक तो आपको मैं दिखा ही चुका हूँ भाई, बहुत ही अच्छा बैक है। प्लस आपको मैं एक और बात बताना चाहता हूँ कि भाई इसको जो फ्रंट में जो पैनल है ना, वो सुपर एमोलेड होने के कारण भाई साहब इसमें जो आपको पिक्चर क्वालिटी देखने को मिलती है ना, वो जो व्यूइंग एंगल्स है प्लस जो HD 4K जो वीडियोज़ है ना, वो बहुत ही उभर के आते हैं। मतलब कि इनके जो कलर्स है बहुत ज़्यादा सही लगते हैं बिकॉज ऑफ दैट सुपर एमोलेड डिस्प्ले। बात करें भाई हम इसके स्पीकर की, तो आपको मैं अभी यहाँ पे एक स्पीकर का सैंपल सुना देता हूँ। भाई मजाक था ये, आपको मैं सच में जो स्पीकर टच था वो आपको दिखा देता हूँ।
आपको इसमें फेस अनलॉक देखने को मिल जाता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट सुपर एमोलेड डिस्प्ले आपको इसमें इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर भी देखने को मिल जाता है। बात करें भाई हम इसके बैटरी की, तो यू गेट अ 4000 mAh बैटरी, जो कि भाई आज के हिसाब से एकदम मीडियोकर बैटरी है। इतनी बैटरी तो हर एक स्मार्टफोन में होनी चाहिए मेरे हिसाब से, प्लस आपको 15 वाट का चार्जिंग इसमें देखने को मिल जाती है फास्ट चार्जिंग, जिसके कारण भाई आप आवर और हाफ एन आवर में ये फुल चार्ज हो जाएगा मेरे हिसाब से, क्योंकि मैंने इसे टेस्ट किया है। बात करें भाई हम इसके वन ऑफ द मेन थिंग्स, वो है भाई इसका यूआई। आपको इसमें 1UI 2.0 देखने को मिल जाता है ऑन टॉप ऑफ एंड्रॉयड 10, जो कि बहुत ही अच्छा यूआई है। मैं भाई मेरे हिसाब से लैग फ्री यूआई है, इसमें ज़्यादा लैग होता नहीं है, प्लस अच्छा स्टेबल यूआई है, क्लोज टू स्टॉक एंड्रॉयड यूआई है, और ये ज़्यादा लैग नहीं करता है। इसके जो इन ऐप एनिमेशंस है, जो एनिमेशंस ऐप खोलने और बंद करने के हैं, वो भी बहुत ज़्यादा स्मूथ हो चुके हैं। अगर मैं इसे कंपेयर करूँ एक्सपीरियंस यूआई से, जो कि बहुत ज़्यादा रद्दी भाई, बहुत ज़्यादा ही खराब यूआई थे मेरे हिसाब से, बट सैमसंग ने भी बहुत ज़्यादा इंप्रूव किया है, लोगों की डिमांड को समझा है, और ये वन यूआई 2.0 बहुत ही अच्छा यूआई। आपको इसमें जो प्रोसेसर देखने को मिलता है वो एक्जिनॉस 9611 है, जो 10nm पे बेस्ड प्रोसेसर है। हाँ, यह वही प्रोसेसर है जो आपको 15,000-16,000 में M30s में भी देखने को मिलता है, वही चीज़ आपको 25,000 में देखने को मिल रही है। भाई आपको पहले ही बोल चुका हूँ, आपको अगर ये स्मार्टफोन लेना है तो आप इसे सिर्फ प्रोसेसर के हिसाब से नहीं ले सकते, क्योंकि आपको इस प्राइस में 855 जैसे पावरफुल प्रोसेसर्स भी देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, मैं इसकी तरफदारी नहीं कर रहा हूँ सिर्फ, मतलब कि आई एम नॉट ओवर पावरिंग कि भाई सैमसंग ये प्रोसेसर बेस्ट है, बट आप डे टू डे टास्क इससे कर सकते हैं, आप गेमिंग वगैरह भी ये फ़ोन आराम से हैंडल कर लेंगे स्मूथ एक्सट्रीम में, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं आने वाली है। प्लस मैं आपको नहीं बोलूँगा अगर आप गेमिंग करना चाहते हैं सिर्फ और सिर्फ गेमिंग 4, 5, 6, 10 घंटे, तो यह उस चीज़ के लिए नहीं बनाया स्मार्टफोन। ये है भाई, अच्छा आपको अगर अच्छी कैमरा क्वालिटी चाहिए, अच्छा एक बहुत ही अच्छा डिस्प्ले चाहिए, भाई गेमिंग के लिए डिस्प्ले बहुत मैटर करता है, और भाई इसमें जो डिज़ाइन है वो बहुत ज़्यादा क्लियर है, इस प्राइस रेंज में वन ऑफ द बेस्ट डिज़ाइन है। आपको जो रेनबो इफेक्ट है वो बहुत ही अच्छा है, कैमरा क्वालिटी बहुत अच्छी है, डिस्प्ले की क्वालिटी बहुत अच्छी है, स्पीकर का आउटपुट अच्छा है, और हेडफोन जैक का भी आउटपुट अच्छा है। तो ये सब मिला के अगर मैं बताऊँ तो 425 के ये ओवरऑल एक बहुत ही अच्छा पैकेज है। मैं किसी चीज़ की तरफदारी नहीं करता भाई, यहाँ ही ये कोई पेड रिव्यू है ना, नथिंग, आपको मैं इतना चीज़ बता देता हूँ, क्योंकि मुझे ये स्मार्टफोन जेन्युइनली अच्छा लगा। मैंने इसे खुद यूज़ किया 1-2 दिन के लिए, तब जाके आपको ये रिव्यू दे रहा हूँ, वरना मैं कोई स्मार्टफोन बिना यूज़ किए उसकी तरफदारी नहीं करूँगा। अगर मैंने उसे यूज़ नहीं किया है तो मैं आपको नहीं बताऊँगा। तो भाई अब इतना था इस वीडियो में, अगर आपको ये वीडियो कहीं से भी अच्छा लगा हो तो भाई कृपया कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नहीं अच्छा लगा तो मैं आपको आई एम नॉट फोर्सिंग यू, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो भाई लाइक भी कर दें, सब्सक्राइब कर दें चैनल को, इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें। और तो और भाई, इफ़ यू वॉन्ट टू गेट द बेस्ट प्राइस ऑफ दिस स्मार्टफोन, इफ़ यू आर लिविंग इन झारखंड, मैं झारखंड की बात कर रहा हूँ भाई, झारखंड बोकारो, अगर आप धनबाद ये सब जगह पर रहते हैं, बोकारो स्पेसिफिकली बोकारो में अगर आप रहते हैं, तो फॉर दिस स्मार्टफोन आपको अगर बेस्ट प्राइस चाहिए तो यू कैन गो टू पारिक सेल्स दैट इज़ इन चास, जो भाई बंदे यहाँ के देख रहे हो उन्हें यह पता होगा, तो आप पारिक सेल्स में जाके इसे बाई कर सकते हैं। आपको मैं जो भी एड्रेस है आपको डिस्क्रिप्शन में जिसे उन्हें तो यहाँ पे आपको लिखा हुआ आ जाएगा, तब वहाँ जाके इसका बेस्ट प्राइस, मैंने कि 1 रुपया ज़्यादा नहीं 1 रुपया कम नहीं, जो आपको ऑनलाइन प्राइस है वही एग्जैक्ट प्राइस आपको पारिक सेल्स में मिल जाएगा। तो अगर आपको बोकारो में रहते हैं, अगर आपको सैमसंग का स्मार्टफोन चाहिए या आपको और भी कुछ चीज़ें चाहिए जैसे कि वॉशिंग मशीन वगैरह और बहुत कुछ एशिया वगैरह, तो आपको मैं इस शॉप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उनकी वेबसाइट भी बन रही है, आप वहाँ से भी बाय कर सकते हैं, प्लस आपको यहाँ पर मैं शॉप का एड्रेस दे दूंगा, तो वहाँ से जाके बाय कर सकते हैं। तो इतना आज के वीडियो में इतना ही था, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।